Organize हैं वो किसमें होती हैं आपकी यूकैरियोटिक सेल में ठीक है यूकैरियोटिक सेल ठीक है ऑब्वियसली ऑर्गेनलीज को वैसे हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं वन आर योर मेम्ब्रेन बाउंड एंड अदर इज योर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड एंड सेकेंड इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड उंड ठीक okay? है इफ यू टॉक अबाउट द मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ठीक है सो अगर हम मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेलीज की बात करें तो इसमें हम एक तो पढ़ेंगे अबाउट एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम ठीक एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम क्या होता है क्या इसके फंक्शन होते हैं ठीक है सेकेंड वी टॉक अबाउट गोल्जी एपरेटस थर्ड वी हैव लाइसोजोम ठीक है विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स प्लास्टिक जिसमें आपका जैसे क्लोरोप्लास्ट um, होते हैं क्रोमोप्लास्ट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट हो गए विल डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस एंड वी विल डिस्कस अबाउट परोक्सीजोम तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ठीक है प्रोक्सी जोम ठीक है तो आपको ना इनके बारे में पढ़ना है कि हर एक ऑर्गेनली का क्या फंक्शन होता है ठीक है तो अभी मैं आपको पहले ना एक बेसिक सी यू सेल की एक डायग्राम दिखाऊंगा ठीक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है उसके बाद हम वन बाय वन पढ़ेंगे तो जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था नेट के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेलीस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है? ठीक है अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं सो so, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे राइबोसोम ठीक है बट राइबोसोम्स तो एज वी नो वो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं यूकैरियोट्स में भी होते हैं ठीक है बट जनरली हम यूकैरियोट्स में राइबोसोम लिखते हैं एटीएस ठीक है जो साइटोसोलिक होते हैं ठीक है तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है अदर ऑर्गेनली विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इज न्यूक्लियोलस 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 वो ऑर्गेनली है जहां पर राइबोसोमल आरएनए बनता है क्या बनता है राइबोसोमल आरएनए ठीक है और ऑब्वियसली यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है और प्रोटीन बाहर से बन के आ जाता है तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो है वो मिलके क्या बना देते हैं राइबोसोम तो न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री देखो राइबोसोम्स होते हैं है प्रोटीन फैक्ट्री है. राइबोसोम्स वो है जहां पर प्रोटीन बनता है बट न्यूक्लियोलस वो ऑर्गेनलिया है जहां पर राइबोसोम बनता है ठीक है ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस कहाँ पर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है ये ठीक है तो इसके बारे में ये सब देख देखना आप जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब हम न्यूक्लियोलस भी पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है एंड थर्ड ऑर्गेनली विच इज नॉन माइम्रेन बाउंड इज सेंट्रीओल ठीक है पेयर ऑफ सेंट्रीओल को हम क्या बोलते हैं सेंट्रोजोम ठीक है ना वट इज समथिंग स्पेशल अबाउट सेंट्रियोल ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है ठीक है सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल्स में नहीं होता इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जो तो सेंट्रियोल है ये कभी भी डिवाइड नहीं करता ये सिर्फ डुप्लीकेशन दिखाता है सेंट्रियोल नेवर डिवाइड्स डिवाइड करने का मतलब ये होता है ना जैसे एक से दो जैसे माइटोकोट्रिया डिवाइड करते हैं लेकिन सेंट्रियोल जो होता है वो कभी डिवाइड नहीं करता इट अंडर गोस डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन मतलब उसकी कॉपी बनेगी जैसे ये नहीं है कि मान लो ये एक सेंट्रियोल है ये नहीं है ना इसको कट के दो बनेंगे इसकी एक कॉपी बनेगी ठीक है तो दैट इज डुप्लीकेशन इट अंडरगोज डुप्लीकेशन ठीक है सो सेल ऑर्गेनलिज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑर्गेनली पे बेस्ड एग्जाम के अंदर आते हैं ठीक है तो आपको ये नहीं है कि हमें ऑर्गेनली का स्ट्रक्चर याद करना है ठीक है हमें ऑर्गेनली के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है ठीक है ना वो मेन सबसे पॉइंट है और थ्रू आउट दिस ऑर्गेनलीज आपको पता लगेगा जैसे इस बार नेट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था उन्होंने ना ऑर्गेनलीज लिखी हुई थी टी ER हो गया गोलजी हो गया लाइसोजोम हो गया और मतलब ऐसे चार ऑर्गेनलीज थी और उसमें पूछा था उसमें मार्कर एंजाइम कौन सा होता है ऑब्वियसली दोज मार्कर एंजाइम्स आर रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनली जैसे जो चीज़ इस ऑर्गेनली में हो रही है या दूसरी में नहीं हो रही है तो वो उसका क्या है बेसिकली मार्कर एनजाइम है तो वही है कि ना ऐसा नहीं है कि हम ई ER आर और गोलजी पढ़ के चले जाएँ और क्वेश्चन में क्या करेगा वो चार ऑर्गेनलीज लिख देगा वन टू थ्री फोर कोई भी चार और वो पूछेगा इसका मार्कर एंजाइम कौन सा है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको सारी ऑर्गेनलीज के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस ऑर्गेनली के अंदर बेसिकली आपका क्या क्या हो रहा है ठीक है अब सबसे पहले ना ये पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि वो सबसे जरूरी है क्योंकि जब तक उसकी पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे ठीक है तो पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि एक्चुअली यू सेल में बेसिकली जो हम ये बात कर रहे हैं एक्चुअली हो क्या रहा है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक ये यूकेरटिक सेल बनाया ठीक है कोई भी चाहे प्लांट है एनिमल सेल है ऑब्वियसली देर आर डिफरेंसेज प्लांट सेल में सेल वोल होती है एनिमल सेल में सेल वोल नहीं होती सेंट्रियोल जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एक्सेप्शन है वैक्यूल्स की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जो एनिमल सेल्स में नहीं होते तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं ठीक है नाउ द थिंग इज दैट की बेसिकली सबसे पहले ये एक सेल बनाया और ऑब्वियसली सेल के अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियस ठीक है सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली ठीक है न्यूक्लियस को हमने डिटेल में पढ़ना है काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस को भी ना सारी ऑर्गेनली ही पढ़ना है डिटेल में अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है इसके साथ कॉन्टिन्यूशन में क्या होता है आपका ई आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ई ER आर क्या होती है कॉन्टिन में होती है ठीक है तो जैसे हम जनरली दो टाइप का दिखाते हैं एक होता है आर आर जिसके सरफेस पे राइबोजोम्स होते हैं और एक होता है एस सी आर तो आर ई आर वो होता है जहां पर आपके प्रोटीन्स बनते हैं और एस सी आर वो होता है जहां पर आपके लिपिड्स बनते हैं ठीक है अब इसके बाद हम क्या शो कर देते हैं गोलजी जैसे मान लो जी हमने ऐसे गोलजी पढ़ेंगे उसमें अलग अलग टाइप के सिस टर्ने होते हैं ठीक है गोलजी का स्टैक होता है उसमें सिस जहाँ से मतलब जो टी आर की तरफ होता है सिस मीडियल ट्रांस तो ये सब हम पढ़ेंगे तो ये जनरली मैंने क्या शो करा है यहाँ पे गोल्जी ठीक है अब क्या होता है कि गोलजी से ही तीन टाइप के जैसे वेसिकल बनती हैं ठीक है या तो गोलजी से लाइसोजोम बनता है यहीं से वेसिकल आएगी तब लाइसोजोम बनेगा ठीक है यहां से जब वेसिकल आएगी तो कुछ वेसिकल ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू द सेल मेम्ब्रेन ठीक है ना तो ये क्या आपकी ट्रांसपोर्ट वेसिकल ट्रांसपोर्ट वेसिकल विल कैरी प्रोटीन और लिपिड्स टू द सेल मेमब्रेन और तीसरी वेसिकल होती है सिक्रिट्री सिक्रिटरी वेसिकल वो है जो बेसिकली फ्यूज करने के बाद अपने जो कंटेंट्स हैं उसको सेल से बाहर रिलीज कर देती है ठीक है तो यहाँ पर हमने तीन बात करी गोल्जी से जो ट्रांस गोल्जी स्पेसिफिकली उससे जो वेसिकल आएगी या तो लाइसोम ट्रांसपोर्ट या तीसरा उसका क्या फंक्शन होगा इट विल बी योर सिक्रिटरी वेसिकल सिक्रिटरी वेसिकल क्या होती है जो अपने कॉम्पोनेंट्स को सेल से बाहर सिक्रीट कर देती है ठीक है नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ठीक है क्या यहां पर तीन वेसिकल हैं एक तो या तो लाइसोसोम बनाएंगी या ट्रांसपोर्ट या सिक्रिटरी ये तीन फेट होंगे जो वेसिकल आपकी ट्रांसपोल से आएगी ठीक है अब ऑब्वियसली हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही जैसे ये डीएनए है ठीक है ऑब्वियसली हमें पता है उससे पहले प्री एम आर एन ए बनता है फिर एम आर एन ए जो भी कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग एंड दैट एम आर एन ए हैज टू कम आउट ऑफ न्यूक्लियस क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ पर होगी राइबोसोम के ऊपर ठीक है अब देखो मेन यहां पर क्या आपने समझना है ठीक है ये तो हम कौन से राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं जो मैमब्रेन बाउंड है ठीक है जब भी हम एक सेल की बात करते हैं वी टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ राइबोसोम वन इज मेम्ब्रेन बाउंड उंड एंड अदर वन इज यी राइबोजोम दूसरे कौन से राइबोजोम्स होते हैं फ्री राइबोजोम ठीक है ना जो ऑब्वियसली जो मैमब्रेन से बाउंड है उसको हमने क्या बोल दिया आर आर और दूसरे राइबोजोम्स कौन से हैं मेरे जो फ्री है ठीक है अब देखो क्या होता है जो भी प्रोटीन कहां पर बनेगा मैमब्रेन बाउंड राइबोजोम के ऊपर ठीक है उसका क्या फेट होगा या तो वो ई ER का पार्ट बनेगा ठीक है ओब्वियसली ई ER की मेम्ब्रेन होती है ई ER का ल्यूमन होता है या वो गोल्जी का पार्ट बनेगा या वो लाइसोजोम का पार्ट बनेगा या वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगा या वो प्रोटीन सीक्रेट होगा दिस विल बी द फेट ऑफ प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड ऑन बाउंड राइबोसोम जो उन प्रोटीन मेमब्रेन बाउंड राइबोसोम के ऊपर बनेगा या तो वो ई आर ER, गोल्जी लाइसोजोम सेल मेमब्रेन या क्या होगा वो सीक्रेट होगा दिस विल बी द फेट ऑफ प्रोटीन ठीक है तो इसको बड़ा आपने मतलब अच्छे से याद रखना है जो भी प्रोटीन यहाँ पे बनेगा अब वो होता है ना उनके ऊपर सिग्नल होते हैं ठीक है ना उसको ई ER आर का पार्ट बनना है गोल्जी का बनना है लाइसोजोम में जाना है ट्रांसपोर्ट करना है या सिक्रीट होना है तो ऑब्वियसली प्रोटीन तो कहां पर बन रहा है ई आर के ऊपर ठीक है जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं जैसे ये मतलब ये होता है जैसे ये ई ER को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ठीक है ना इर ER भी जैसे हम दिखाते चलो ऐसे सिंपल फॉर्म में देते हैं ये जितनी ऑर्गेनलीज हैं ई आर गोल्जी लाइसोजोम इन सब की मेम्ब्रेन है ठीक है अब देखो मान लो यहां पर एक राइबोजोम है विच इज अटैच टू राइबोजोम मतलब विच इज अटैच टूर ठीक है अब यहां पे जो प्रोटीन बनेगा क्योंकि प्रोटीन तो राइबोजोम ने बनाना है ये मैंने ई ER आर शो करा है ठीक है अब यहाँ पे मान लो एक प्रोटीन बना यहाँ पर चलो एक प्रोटीन बन गया ठीक है जो इस राइबोजोम ने बना दिया ठीक है वैसे तो क्या होता है कि कुछ तो चलो पूरा बनने के बाद अंदर जाते हैं अदरवाइज तो कुछ तो ऐसा होता है को ट्रांसलेशनली मतलब जैसे जैसे बन रहा है साथ साथ उसकी ट्रांसलोकेशन भी हो रही है ठीक है ये सब पॉइंट्स अभी पढ़ेंगे तो अभी चलो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ तो अब ये प्रोटीन है अगर तो इसको ई ER आर की मेम्ब्रेन का पार्ट बनना है तो ये तो मेम्ब्रेन में रुक जाएगा ठीक है अगर ये ई ER आर की मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं बनना तो ये कहां पर आ जाएगा ई ER आर के ल्यूमन में मतलब अब डिपेंड करता है उस प्रोटीन को ई ER आर के ल्यूमन में रहना है ठीक है ना जिस भी प्रोटीन को आगे जाना है मतलब ई ER आर के ल्यूमन में जाना है गोलजी में जाना है लाइसोजोम में जाना है सेल मेम्ब्रेन में जाना है या सिक्रिट होना है उसको पहले ल्यूमन में आना पड़ेगा ठीक है ना तो ई ER, जिसको तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन को मेम्ब्रेन का पार्ट बनना है वो मेम्ब्रेन में रुक जाएगा बट जिसको बेसिकली आपका आगे जाना है या ई ER के ल्यूमन का पार्ट बनना है ठीक है तो उसको ई ER के अंदर आना पड़ेगा ये सब मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा ठीक है अभी जस्ट मैं आपको ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सेल का ईच एंड एवरी ऑर्गेनली वी विल स्टडी इन डिटेल ठीक है कि अगर कोई प्रोटीन मेम्ब्रेन में रहता है तो वाई इट इज स्टॉपिंग इन मेम्ब्रेन कोई प्रोटीन ल्यूमन में रहता है तो वो क्यों रहता है ठीक है तो ये सब हम पढ़ेंगे आपका ठीक है सो so, जो भी प्रोटीन मैमब्रेन बाउंड राइबोसोम के ऊपर बनेगा या तो वो ईआर ER का पार्ट बनेगा गोल्जी का पार्ट बनेगा लाइसोसोम का पार्ट बनेगा मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगा या सिक्रीट होगा दिस विल बी द फेट ऑफ प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम लेकिन वो बेसिकली आपका प्रोटीन जो किसके ऊपर बनता है फ्री राइबोसोम्स के ऊपर ठीक है फ्री राइबोसोम मतलब ऑब्वियसली ये राइबोजोम्स यहाँ पर जैसे फ्री पड़े हुए हैं दीज आर फ्री मतलब ये किसी मैम्ब्रेन से बाउंड नहीं है इनके ऊपर जो प्रोटीन बनेगा ऑब्वियसली अब सेल के अंदर देखो क्या रह गया सेल के अंदर माइटोकोन्ट्री है ठीक है अगर ओब्वियसली वो चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है अब क्लो, क्लो, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोक्सीजोम की क्योंकि माइटोकोन्ड्री और क्लोरोप्लास्ट तो ऐसी ऑर्गेनली हैं जिसमें दो मैम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस को मिला के तीन किसी भी यूकेरोटिक सेल के अंदर ऑब्वियसली प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है अगर हम यूकेरोटिक सेल की बात करें तो तीन ऐसी ऑर्गेनली हैं जिसके अंदर दो मैंम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस आपका दिस इज माइटोकोन्ड्रिया दिस इज क्लोरोप्लास्ट ठीक है एंड दिस इज योर मतलब ये चलो प्रोक्सिजोम में तो सिंगल मैम्ब्रेन ही होती है ठीक है और न्यूक्लियस न्यूक्लियस माइटोकोन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मैम्ब्रेन होती हैं अब जिस भी जो भी प्रोटीन मान लो यहां पर बना जो आप कह रहे हो कि फ्री राइबोसोम है मान लो ये एक प्रोटीन बना है ये प्रोटीन के ऊपर सिग्नल होता है कि इसको न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस का पार्ट बनेगा ये माइटोकोन्टरिया का पार्ट बनेगा यह क्लोरोप्लास्ट का पार्ट बनेगा परोग का पार्ट बनेगा या जो सेल के अंदर साइटोसोल होता है उसका पार्ट बनेगा सबसे पहले ये डिफ्रेंसीशन जरूरी है कोई भी प्रोटीन जो माइटोकोट्रिया क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस या साइटोसोल का पार्ट बनता है वो फ्री राइबोसोम के ऊपर बनेगा ठीक है क्योंकि थोड़ा बहुत ही होता है क्लोरोप्लास्ट का अपना भी डीएनए होता है वो कुछ प्रोटीन खुद भी बनाते हैं वो thing, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो खुद बना रहे हैं बट जो प्रोटीन कहां पर बनेगा फ्री राइबोसोम के ऊपर वो या तो किसका पार्ट बनेगा आपका न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट या जनरली आप बोल सकते हो प्लास्टिड्स माइटोकोन्ट्रिया परोक्सिजोम या साइटोसोल परोक्सिजोम और साइटोसोल सबसे पहले यह आपको क्लियर होना चाहिए मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में इस पे बेस्ड आता है ठीक है कि कौन सा प्रोटीन कहां पर बन रहा है ठीक है तो बेसिकली सेल के अंदर जनरली uh, एक राइबोसोम जो मेम्ब्रेन बाउंड है एक कौन से आपके फ्री ठीक है बाकी क्लोरोप्लास्ट माइटोकोन्ट्रिया के अंदर भी होते हैं वो चलो एक क्योंकि इनका थोड़ा सिस्टम डिफरेंट होता है बिकॉज दे हैव देयर ओन डी एन दे मेक्स देयर ओन प्रोटीन्स ऑल्सो ठीक है वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में अदरवाइज फ्री राइबोसोम के ऊपर जो प्रोटीन बन रहा है वो क्लोरोप्लास्ट माइटोकोन्ट्रिया न्यूक्लियस साइटोसोलिया परोक्सजोम का पार्ट बनता है ठीक है ऑब्वियसली देर हैज टू बी सम सिग्नल कुछ ना कुछ उस पर सिग्नल होता है वो सिग्नल हमें पढ़ने होते हैं जैसे क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं उनपे क्या सिग्नल होता है ठीक है जो उनसे प्रोटीन प्रोक्सीजोम में जा रहे हैं उस पर क्या सिग्नल है तो ऑब्वियसली हर एक प्रोटीन के ऊपर क्या है देर हैज टू भी सम सिग्नल जो उसको डायरेक्ट करता है कि उसको किसका पार्ट आपका बनना है ठीक है तो ये मेनली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले ये जब तक हमें क्लियर नहीं आया तब तक हमें मतलब सेल के बारे में नहीं पता लगता कि एक्चुअली सेल के अंदर हो खो रहा है ठीक है दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमें पता होना चाहिए कि मैम्ब्रेन बाउंड राइबोजोम एंड फ्री राइबोजोम ठीक है सो दिस इज द बेसिक ठीक है हमने सेल के बारे में डिस्कस किया अब देखो एक खास बात मैं आपको और बताता हूं जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था हम एक टर्म यूज करते हैं एंडो मैमब्रेन सिस्टम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नो वट इज दिस मेम्ब्रेन सिस्टम तो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है देखो क्या है कि जो भी ये हमने सिस्टम पढ़ा है ठीक है अगर मैं इसको ऑब्वियसली ऐसे लिख दूं जी ई आर एल झी इज गोल्जी ई आर इज एंडो रेटिकुलम एंड एल इज योअर लाइसोजोम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एंड एलिजियर लाइसोजोम दो व्हाट वट डू मीन बा एंडोमेम्बरीन सिस्टम कि बेसिकली हम जो ये कह रहे हैं कि देखो ईआर ER से जो भी गोल्जी के पास जाना है वो ना बेसिकल की फॉर्म में जाएगा जैसे मान लो मैं आपको बेसिक बताऊं जैसे मान लो आपको आपने कहा कि मान लो ये ई ER है ये गोलजी है ठीक है बीच में क्या है साइटोसोल है दोनों के बीच में यहाँ पे साइटोसोल है एक तो आपने कहा कि ई ER के पास ई ER ने जो प्रोटीन बनाया ठीक है आप उसको बेसिकली साइटोसोल में लीक करा दो और वो प्रोटीन चला जाएगा गोलजी के पास ऐसा नहीं होता है ठीक है जो भी प्रोटीन को जाना है वो एक वेसिकल की फॉर्म में जाएगा जैसे एक वेसिकल बनेगी इससे उस वो वेसिकल जो है उसके अंदर वो प्रोटीन होगा एंड दिस वेसिकल विल कैरी द प्रोटीन टू द गोलजी कोई भी प्रोटीन जो ये पूरा पाथवे है ई ER, से गोलजी या विद इन गोलजी क्योंकि गोलजी के अंदर बड़े सारे स्टैक्स होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम की फॉर्म में ई e आर से गोलजी गोलजी से लाइसोजोम या मेमब्रेन के पास या सीक्रीशन ये जो यहाँ पे प्रोटीन बना है ना ये साइटोसोल में नहीं जाएगा अगर ई e आर के पास ई e आर से गोलजी के पास आना है तब भी वेसिकल की फॉर्म में जाएगा गोलजी में भी अगर एक से दूसरे के पास आना है वो भी वेसिकल की फॉर्म में जाएगा अगर लाइसोजोम का पार्ट बनना है वो भी वेसिकल की फॉर्म में बनेगा ट्रांसपोर्ट करना है वो भी वेसिकल करेगी और सिक्री सिक्रीशन ऑब्वियसली वेसिकली करेगी सो देर विल बी नथिंग लाइक दैट की प्रोटीन विल बी सिक्रीटेड इन टू द साइटोसोल ठीक है और ये भी अब क्या होता है ये जो वेसिकल्स होती हैं ठीक है अब मतलब ई ER आर से गोलजी के पास जाना है या विद इन गोलजी जाना है या गोलजी से ई ER आर के पास आना है इनके ऊपर कोटिंग होती है इनके ऊपर क्या होता है कोटिंग वो कोटिंग डिसाइड करते हैं कि इनको किस तरफ जाना है ठीक है वो कोटिंग में अभी आपको दिखाता हूं डायग्राम की फॉर्म में ठीक है बेसिकली हम तीन टाइप की कोटिंग की बात करेंगे एक होती है कोप वन एक होती है कोप टू और एक होती है क्लेथरिन कोप वन कोप टू एंड क्लेथरीन ठीक है तो ये मैं आपको इमेज की फॉर्म में दिखाता हूं कि तीन टाइप की कोटिंग कौन से होती है कोप वन कोप टू एंड क्लेथरीन तो जैसे आप ये देख सकते हो ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हो दिस इज द इमेज जिसमें आपको हमने इसमें यह रिप्रेजेंट किया हुआ किया गया है कि कौन सी वेसिकल के ऊपर कौन सी कोटिंग होती है तो जिसको ईआर ER से गोल्जी के पास जाना है ठीक है उसके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है कोप टू की यह आप याद रखना है देखो यहाँ पे कलर दिखा रखा है आ, ग्रीन इज क्लैथरीन कोप वन ब्लू के अंदर और कोप टू राइट तो जिस भी वेसिकल को ई से गोलजी के पास जाना है तो उसके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है कोप टू ठीक है और जिस वेसिकल को गोलजी से ई के पास आना है उसके पास कौन सी कोटिंग होती है आपकी कोप वन ई ER आर से गोलजी कोप टू गोलजी से ई आर कॉप वन विद इन गोलजी भी कोप वन जैसे गोलजी के अंदर मैंने आपको बताया ना अलग अलग सिस ने होते हैं तो सिस से ट्रांस के पास जाना है तो उसमें भी क्या होता है आपका कोप वन और वो वेसिकल जो सेल की मेम्ब्रेन से बन के आती है ठीक है मतलब जैसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस ये भी हम पढ़ेंगे जब लाइसोम फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो जो एंडोसिटिक वैसिकल होती हैं उनके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है क्लेथरिन की उनके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है क्लेथरिन की ठीक है तीन कोटिंग आपने याद रखनी है जो ई ER से गोल्जी उसके ऊपर कोप टू जो गोल्जी से ई ER, कोप वन या विद इन गोल्जी भी कोप वन और एंडोसिटिक वैसिकल ठीक है ना सो so, क्लेथरिन कोटेड वैसिकल मेनली इन्वॉल्व इन एंडोसाइटोसिस एंड कोप कोटेड वेसिकल मेडिएट ई ER आर टू गोलजी एंड बैक एक तो एग्जाम में क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है ठीक है तो ये मेरे लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जो वेसिकल्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी वेसिकल किस तरफ जाती है ठीक है ई e आर से गोलजी ठीक है ना ऐसा होता है जैसे भैया ना मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल गलती से ई e आर का प्रोटीन गोलजी के पास चला गया ऑब्वियसली यू नीड टू ब्रिंग दैम बैक ठीक है वो भी हम पढ़ेंगे जब हम ई e आर के बारे में पढ़ेंगे तो ये वेसिकल्स आपने याद रखनी है कोप वन कोप टू एंड प्लेथरिंग ठीक है